हेलो एवरीबॉडी, अब हमारा नेक्स्ट टास्क था कि क्रिएट फंक्शन देखना और डिस्प्ले फंक्शन देखना। तो क्रिएट फंक्शन हम देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक डेटा टाइप, ठीक है, और स्टार लिंक लिस्ट। इसका मतलब ये जो क्रिएट फंक्शन है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? लिंक लिस्ट क्लास को बिलोंग करता है। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि हम इसको क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप, क्लास का नाम, और फिर कौन सा फंक्शन है। ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि क्लास के बाहर हो सकता है, दो क्लास लिंक क्लास में भी क्रिएट नाम का फंक्शन हो, लिंक लिस्ट नाम में लिंक लिस्ट क्लास में भी क्रिएट नाम का फंक्शन हो। इसलिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, वो बताता है जो क्रिएट फंक्शन है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिखा। अब देखिए, हमने यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है, एलिमेंट जो हमने बोला है किसी लिंक को पॉइंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिंक। अब ये न्यू क्या है, सी प्लस प्लस में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से, न्यू और डिलीट, ठीक है। न्यू का काम है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना, और डिलीट का काम है कि जो न्यू ने मेमोरी एलोकेट की है उसको डी एलोकेट करना, ठीक है। अगर हम सी में ही ये वाला प्रोग्राम बनाते, ठीक है, तो हम मैलॉक, कैलॉक और फ्री फंक्शन का इस्तेमाल करते डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। लेकिन क्योंकि हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है, न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, एक एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है, जो मेमोरी वो क्रिएट करेगा। तो हमने बोला फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक, मतलब एक हमें लिंक के बराबर की मेमोरी क्रिएट करनी है। और लिंक के बराबर की मेमोरी कैसे क्रिएट करेंगे कि हमने ये बोला है ना, लिंक में दो पार्ट थे, नम और नेक्स्ट, ठीक है। और हमने बोला इसका ये जो नया नोड क्रिएट होगा, नया लिंक क्रिएट होगा, उसका एड्रेस किसको दे दो, फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिंक। तो जब हमने फर्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिंक किया तो इतना हमारा काम कंपाइलर ने करके दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, सी आउट एंटर नंबर टू क्विट एंटर माइनस वन। मतलब यहाँ पे हम एक कंडीशन दे रहे हैं कि यूज़र को, हम ये बोल रहे हैं कि जब तक यूज़र क्रिएट करना चाहता है लिस्ट वो क्रिएट करता जाए, और जैसे ही वो माइनस वन एंटर करेगा, ठीक है, नम की वैल्यू जब माइनस वन होगी तो मतलब हम लिस्ट क्रिएट करना बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसे हमने यूज़र को बोला है, और एंड एल क्यों यूज़ होता है, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो यूज़र से हम डिजिट एंटर करवा लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ हम यूज़र ने डिजिट एंटर किया, सपोज़ 10, ठीक है, तो हमने सीन डिजिट किया। अब डिजिट को हम स्टोर कहाँ करेंगे, यूज़र जो एंटर कर रहा है वो कहाँ पे करना है, फर्स्ट के नम पार्ट में। फर्स्ट नम इज इक्वल्स टू डिजिट, ठीक है। ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं जब हम पॉइंटर्स के साथ डील कर रहे हैं ना, तो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम नम को डायरेक्टली रिफर नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, फर्स्ट का नम, फर्स्ट का नेक्स्ट। तो जो यूज़र ने डिजिट एंटर किया है वो कहाँ स्टोर कर दो, फर्स्ट के नम में डिजिट डाल देना है, ठीक है। तो यूज़र ने सपोज 10 एंटर किया तो हमने ये डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या डालना है, हेडर। हेडर में इनिशियली क्या था, हमने हेडर में इनिशियली देखा था जब हमने लिंक लिस्ट नाम का क्लास बनाया था, तो हमने हेडर को किससे इनिशियलाइज किया था, नल से। तो अभी हेडर में क्या होगा, नल होगा, तो यहाँ पे हमने नल डाल दिया, ठीक है, इतना क्लियर है। और हमारा यही नोड अभी इकलौता नोड होगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, तो हेडर भी इसी को पॉइंट करेगा और रियर भी इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दो पॉइंटर लिए, फर्स्ट और रियर। फर्स्ट हमेशा लिस्ट के पहले एलिमेंट को पॉइंट करना चाहिए, रियर हमेशा लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक ही एलिमेंट है जिसमें वैल्यू है 10, तो फर्स्ट भी इसी को पॉइंट करेगा और रियर भी इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इतना स्टेटमेंट आई
सपोज सबको क्लियर होगा. अब हमें क्या करना है, ये लिस्ट क्रिएट करते जानी है, क्रिएट करते जानी है जब तक यूज़र माइनस वन एंटर नहीं कर देता. इसके लिए हमने एक फॉर लूप, एम्प्टी फॉर लूप का इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला है, हमने कि हम एलिमेंट क्रिएट करते जा रहे हैं, जैसे ही यूज़र माइनस वन एंटर कर देगा हम एलिमेंट क्रिएट करना बंद कर देंगे. ठीक है, तो अब हमने बोला एलिमेंट इज इक्वल्स टू न्यू लिंक. ठीक है, फिर से हमने न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और न्यू ऑपरेटर ने क्या कर दिया, लिंक के बराबर का मेमोरी एलोकेट कर दिया. ठीक है, और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये इनिशियलाइज हो गया जीरो और नल से. ठीक है, बाद में जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगी. फिर अब हमें क्या करना है, यूज़र से बोलना है सीन एलिमेंट के नम पार्ट में वैल्यू डायरेक्ट एंटर करा सकते हैं. ठीक है, या तो हम वेरिएबल ले लें डिजिट और फिर उसको जैसे हमने ऊपर डाला था डिजिट ले लिया, फिर डिजिट को हमने नम पार्ट में डाला. इन दोनों स्टेटमेंट को हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट हम सीन कहाँ करा लें, इस एलिमेंट के नम पार्ट में. ठीक है, तो जब हमने बोला एलिमेंट इज इक्वल्स टू, है ना, एलिमेंट इज इक्वल्स टू न्यू लिंक जब हमने बोला तो क्या हुआ, ये इतना इतना चीज़ हमको कंपाइलर ने करके दे दिया. फिर हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर किया, सपोज हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं 20 एंटर किया. फिर हमने चेक किया क्या यूज़र ने माइनस वन एंटर किया है, अगर हमने माइनस वन एंटर किया है तो हम क्रिएट करना बंद कर देंगे और इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक करेंगे. ठीक है, और ब्रेक के बाद हम रिटर्न स्टेटमेंट आएंगे तो रिटर्न हम फर्स्ट का एड्रेस रिटर्न कर लेंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ऐसा मान रहे हैं कि यूज़र ने 20 एंटर किया है, अभी वो एक और नोड क्रिएट करना चाहता है. ठीक है, तो हमने एलिमेंट के नम में 20 डाल दिया और एलिमेंट के नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, नल. ठीक है, अब देखो फर्स्ट ये क्रिएट हो गया था, अब एक और नोड क्रिएट हुआ तो 10 के बाद 20 आना चाहिए. ठीक है, हमारी ऐसी लिस्ट बन जानी चाहिए, 10 इसमें 10 होना चाहिए, इसमें 20 होना चाहिए, और ये फर्स्ट इसको पॉइंट करना चाहिए और रियर इसको पॉइंट करना चाहिए. ठीक है, और हेडर भी इसी को पॉइंट करना चाहिए. ठीक है, तो ये हम चाहते हैं. ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रियर हमारा कहाँ था, फर्स्ट को पॉइंट कर रहा था जो 10 था, तो अब रियर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा और उसको पॉइंट कराना पड़ेगा एलिमेंट पे, क्योंकि फर्स्ट अपनी सही जगह है, हेडर अपनी सही जगह है, रियर को हमें बढ़ाना पड़ेगा. तो रियर को हम किस तरीके से बढ़ाएंगे, रियर के नेक्स्ट में हम डाल दें एलिमेंट. अच्छे से देखिए, रियर का नेक्स्ट पार्ट कहाँ है, ये रियर इसको पॉइंट कर रहा है, रियर का नेक्स्ट हम किसको बोलेंगे, इसको. ठीक है, तो रियर के नेक्स्ट में क्या डाल दो, किसका एड्रेस डालेंगे, एलिमेंट का. एलिमेंट का एड्रेस क्या है, कौन सा वाला लिंक है, 20 वाला लिंक. ठीक है, तो ये किसको पॉइंट करने लगेगा, 20 को पॉइंट करने लगेगा. ठीक है, सपोज एलिमेंट, सपोज अगर हम ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इसका एड्रेस है 10A. ठीक है, तो हमने बोला रियर के नेक्स्ट में डालो एलिमेंट, तो रियर के नेक्स्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका एड्रेस 10A. तो ये यहाँ पे लिंक बन गया. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये, और फिर हमें क्या करना है, रियर इज इक्वल्स टू एलिमेंट, है ना. रियर अभी इसको पॉइंट कर रहा है, रियर इसको पॉइंट कर रहा है, रियर के नेक्स्ट में हमने एलिमेंट का एड्रेस डाला 10A सपोज. ठीक है, और फिर रियर को आगे बढ़ाना है, तो रियर इज इक्वल्स टू एलिमेंट, एलिमेंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको रियर भी पॉइंट करने लग जाए. तो इस तरीके से हमने फर्स्ट हमारा सही हो गया, रियर सही हो गया. अब देखिए, हमने ये फॉर लूप से ब्रेक नहीं किया है अभी, है ना, तो अभी हम फिर से वापस इसी कंडीशन पे आ गए. ठीक है, फिर से क्या हुआ, एक एलिमेंट क्रिएट हुआ, फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, एलिमेंट इज इक्वल्स टू न्यू लिंक. तो जब हमने एलिमेंट इज इक्वल्स टू न्यू लिंक किया तो फिर दो पार्ट बन गए. ठीक है, अब एलिमेंट इसको पॉइंट नहीं कर रहा है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, अब एलिमेंट एक नए नोड को पॉइंट कर रहा है. अब सपोज यूज़र और लिस्ट क्रिएट करना नहीं चाहता, तो
उसने क्या किया, माइनस वन एंटर कर दिया, ठीक है। तो माइनस वन हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमने कंडीशन चेक किया, क्या नम एलिमेंट का नम, एलिमेंट का नम माइनस वन है, हाँ है। तो हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक करना है मतलब इस लूप से हमें बाहर निकल जाना है। लूप से हम बाहर निकले तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा मिला, नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा मिला, रिटर्न फर्स्ट, ठीक है। रिटर्न फर्स्ट किया तो फर्स्ट का एड्रेस क्या है, ये है एड्रेस, सपोज इसका एड्रेस है 20A, तो एलिमेंट फर्स्ट का एड्रेस हमारे कहाँ मेन प्रोग्राम में रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्रिएट फंक्शन ने क्या किया, दो नोड, दो लिंक हमारे क्रिएट हो गए, 10, 20, और अगर हम माइनस वन एंटर नहीं करेंगे तो इसी तरीके से हम लिस्ट क्रिएट करते जाएंगे और रेयर को बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम डिस्प्ले किस तरीके से करेंगे। थैंक यू।